आज कानपुर में पहली बार बारिश हुई है, पहली का दूसरी बार है, और थोड़ी ही देर में बारिश होने पर कानपुर का तो बुरा हाल हो गया भाई। अभी हमें गोविंदनगर एरिया में और ट्रैफिक भी ज़बरदस्त है यहाँ पर देखने मिल रहा है, और बहुत सारी जगह पर पानी है, मतलब एकदम से भर जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पर गाड़ी गड्ढे में जाएगी क्या होगा, क्योंकि हर जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। अभी है थोड़ा सा पानी कम हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ बारिश होना, क्योंकि जिस समय बारिश हो रही थी बहुत तेज़ी से, उस समय तो अब निकल नहीं सकते थे। आप समझ सकते हैं गोविंद नगर के ये जुई चावला जो चौराहा है वहाँ पर हूँ, और चावला चौराहा पर ये कम से कम 1 से 1.5 फुट रोड के ऊपर पानी भरा है, ये बड़ी बात है कानपुर में अपने आप में। मैं तो आज पहली बार इस तरीके से देख रहा हूँ, अभी 15 से 20 मिनट की बारिश में कानपुर का ये हाल हो गया है दोस्तों, क्या ही बताया जाए। जब कानपुर महानगर जैसे शहरों का ये हाल है तो हमारे यहाँ छोटे छोटे शहरों का क्या हाल होने वाला है। वैसे भी कहा जाता है दोस्तों कि जब भी बारिश होती है तो महानगर पालिकाओं की पोल खुल के सामने आ ही जाती है, क्योंकि जो भी पानी के बाहर के निकास के प्रबंध होते हैं वो बंद होते हैं, लगभग नालियाँ चौक होती हैं, नाले चौक होते हैं। इसी तरीके से आज हम भी देख रहे हैं भाई, तो मैं तो इस तरीके से ब्लॉग नहीं बुलाता हूँ, लेकिन आज का ये ब्लॉग आपके लिए काफ़ी मज़ेदार साबित होने वाला है और एक जानकारी वाला भी होने वाला है। फिलहाल एक चीज़ की राहत है, प्रेजेंट टाइम में इस समय जो है लगभग में 2 बज गया है पूरा, और ट्रैफिक कम हो गया है क्योंकि बारिश हो रही है, तो बाइक, ई रिक्शा, थ्री व्हीलर ऐसे लोग कम निकल रहे हैं अभी जो है। तो अभी हम जो है गोविंद नगर के पुल के ऊपर आ गए हैं, तो ये जो पूरा वीडियो है आप गोविंद नगर पुल और गोविंद नगर बर्रा बाईपास से गोविंद नगर होते हुए और फजलगंज चौराहे तक जो चलेंगे हमारे साथ रहेंगे देखेंगे, मैं वहीं तक का ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि अभी जो है बारिश कम हुई है। तो अब मैं ब्रिज के ऊपर आ गया हूँ, और ब्रिज के ऊपर भी आपको ट्रैफिक ना के बराबर मिलेगा, यहाँ पर भी पानी जो है अच्छी खासी झमझमाहट देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी पानी अभी तेज़ फिर से हो गया है, फिर से तेज़ पानी होते हुए। और मैं अभी जो है गोविंद नगर का जो पुल है, रेलवे ब्रिज है ठीक उसके ऊपर आ गया हूँ। तो आज जो है मौसम तो काफ़ी अच्छा सुहावना हो गया है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा भाई, और कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस के शहर में आज बारिश हुई है या आने वाले समय में कब होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि कानपुर में तो मानसून दस्तक आज दे गया है, और काफ़ी अच्छी बारिश लगभग पिछले 20 से 25 मिनट बारिश हुई है। गोविंद नगर एरिया में मैं था अभी, तो गोविंद नगर एरिया में मैंने भी देखा है कि बारिश हो रही है, और इधर मैं काका देव की तरफ जा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी देखेंगे आखिर में बारिश वहाँ पर कैसी हो रही है और क्या आप बारिश का आया। देखिए अब जैसे मैं फजलगंज चौराहे की तरफ आते हैं, गोविंद नगर के ब्रिज के नीचे जब उतरते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर तो मेरी वैगनार गाड़ी है छोटी सी, अब ये डर लगता है कि कहीं गाड़ी ही ना कहीं बैठ जाए, देखिएगा ऐसा लग रहा है कि मानो कि राम गंगा की बाढ़ आ गई हो, और कहीं पर भी ट्रैफिक वाले चाचा नज़र नहीं आ रहे हैं, वैसे खड़े रहते हैं, कौन बेल्ट लगाएं, कौन सीट बेल्ट, कौन रॉन्ग साइड चल रहा है, इस तरीके से खड़े रहते हैं। आज नहीं दिख रहे हैं इस बारिश में, क्योंकि उनके घुटनों तक पानी है, ये भाई क्या बात है यार, ओहो दंगल है भाई, ये कानपुर नहीं महानगर है तो भाई भाई ये लो, ये तो गया काम से गाड़ी, यहाँ दोस्तों का बंद हो जाए ना साइलेंसर के अंदर पानी जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि यहाँ के जो पहिए हैं मेरी गाड़ी के बिल्कुल डूब गए थे एकदम से, और सामने मेरी बाइक जा रही, स्कूटर जा रहा था, तो वो तो अपने पैर कितने ऊँचे उठा के रखा था, ये हालत है यार। आज तो सच में मैं पहली बार इतनी बारिश के साथ कानपुर में हूँ, और बारिश का जो मज़ा था और जो शहर का नज़ारा देखने लायक था वो आज मैंने रियलिटी में देखा है। तो अभी मैं दोस्तों आ गया हूँ फजलगंज चौराहे पर, और यहाँ पर जो है रेड लाइट का धमाका हमेशा रहता है, रेड लाइट रहती है और ट्रैफिक आपको हर पल मिलता है, तो अभी ऐसा लगता है कि रेड लाइट बंद ऐसी हो गई हो, बहुत सारे लोगों को गाड़ियाँ भी दे रहे होंगे कि गाड़ी कहीं
स्पीड से निकल जाती है तो बाइक वाले पैदल वालों के चेहरे तक पानी, रोड का पानी, गंदा पानी चेहरे तक जाता होगा। तो ऐसे लोगों को सॉरी बोलूँगा कि भाई मैं तो स्लो ही चला रहा हूँ और बाई चांस अगर स्पीड से हो जाती है तो क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि पानी में भरा होता है तो स्पीड से निकलना ही होता है। और ये लो भाई रेड लाइट तो नहीं है, कोई भी लाइट नहीं चल रही है, ट्रैफिक मनमान चल रहा है, तो हम भी निकल गए आराम से। आप लोग भी, बरसात होती है तो रेड लाइट पर थोड़ा सा इफेक्ट रहता है और अपना काम करना बंद कर देती है। कुछ ऐसा मैंने कानपुर में ही देखा है, एक दो बार और देखा था, लेकिन आज तो अभी देखी जाए फजलगंज की रेड लाइट हर समय ऑन रहती है, लगभग रात के 10-11 बजे तक चलती है, सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है। और ये देखिएगा भाई, और आप लोगों को एक एडवाइस के देना चाहूँगा कि आप लोग अगर बरसात में गाड़ी चलाते हैं तो प्लीज़ गाड़ी को स्लो चलाइए, कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि पानी जब भरा होता है तो गाड़ी बहकने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो आज जो है ये गोविंद नगर का हाल था, गोविंद नगर से फजलगंज आ गए, ये सामने ई रिक्शा वाला देखा भाई, बहुत बुरा हाल है ई रिक्शा वाले का, क्या ही इस पर कहा जाए आप। तो चलिएगा दोस्त अभी चलते हैं और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपने कानपुर का ऐसा माहौल कब कब देखा है। मैं तो भाई पहली बार देखा है, तो पहली बार देखते ही मैंने तो अपना उठाया कैमरा और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था और आप लोगों के सामने कल की डेट में ये सुबह 8 बजे मॉर्निंग में यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। चलिएगा फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।